नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। देवास खातेगांव क्षेत्र से गरीबों को बंटने वाले चावल को बिना किसी दस्तावेज के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। वहीं नेमावर पुलिस ने एक पिकअप वाहन में 40 क्विंटल चावल जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। एक और सरकार गरीबों के लिए राशन वितरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन खातेगांव में गरीबों के हक का राशन डकार रहे हैं। इसके पहले भी कई बार शासकीय चावल का अवैध रूप से परिवहन किया गया था और कई बार जब्त भी किए गए हैं। अब देखना होगा इस खेल का उस्ताद कौन निकलता है। सफेद रंग की गाड़ी हमें उधर से आते हुए दिखी, जिसको हम लोगों के द्वारा चेक किया गया। उक्त गाड़ी का नंबर MP05G8339 है। चेक करते उसमें हम लोग को चावल की कट्टियाँ मिली हुई हैं, जो कट्टियाँ हैं सफ़ेद रंग की हैं और उस पर सोसाइटी का मतलब वो अंकन है, मतलब वो सोसाइटी का माल है, सरकारी माल है। और ड्राइवर से इसके संबंध में पूछताछ की गई, बिल बिल्टी पूछा तो उसके पास कुछ भी नहीं होना पाया गया, जिसके संबंध में उक्त आयसर हम लोग थाने पर लाए हैं। आयसर में करीबन 40 क्विंटल चावल है, जो सोसाइटी सरकारी माल है, जिसका हमने अवैध परिवहन करते हुए पाया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग, तहसीलदार महोदय और खाद्य विभाग को हम लोगों के द्वारा सूचना दी गई है। देवास से खबर समय जगत के लिए राजेश मालिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।